पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा और राज्यसभा के 142 सांसदों के निलंबन से भड़के कांग्रेसियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताते हुए इसे संसद का अपमान बताया। नेताओं ने कहा कि दोनों ही सदनों में सरकार के इशारे पर संसद की गरिमा और गौरव का अपमान हुआ है। कांग्रेस नेतृत्व के देशव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को जिला और शहर कमेटियों की ओर से तमाम कांग्रेसी कलेक्ट्रेट परिसर में जमा हुए कांग्रेसियों ने दोनों सदनों से 142 सांसदों के निलंबन को पूरी तरह से अवैधानिक करार देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद ने इसे लोकतंत्र की हत्या ठहराया, तो वहीं शहर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा ने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध होगा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप कर निलंबन वापस करने की मांग की है। कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद में जहां राष्ट्रपति महोदय संबंधित ज्ञापन दिया है, ये मांग करी है, जो आपको पता है कि इस हफ्ते के अंदर 140 से ऊपर सांसदों का जो निलंबन करा गया है उनके बहाल के लेकर हमने यहां पे ज्ञापन दिया है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का, हिंदुस्तान की हर आवाज़ उठाने का भवन संसद भवन कहलाता है। अगर वहाँ भी हत्या करी जाएगी, बात दबाने की प्रयास करे आएंगे तो आदमी कहाँ अपनी बात रखेगा, ये सोचने का विषय है। अगर वहाँ भी नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा, कौन सी जगह बसती है। आज हमने दिया है ज्ञापन, दिया है, मांग करी है कि कम से कम सांसदों को बहाल करा जाए ताकि वो हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ रख सके। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अजय राय जी के निर्देश पर यह धरना प्रदर्शन आज हम लोगों ने रखा है। और ये धरना प्रदर्शन का मेन उद्देश्य है कि ये गूंगी बहरी सरकार जिसने जबान काटने के आदेश दे दिए हैं, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी कोई गाथा कह पाए, अपनी कोई परेशानी कह पाए या जन समस्याओं को उठा पाए। ऐसी प्रतीत होता है कि शायद अंग्रेज़ों के टाइम में ये सरकार इस टाइप की होगी कि वहाँ बोलने का हिंदुस्तानी को कोई अधिकार नहीं था। आज जो स्थिति है उस स्थिति में हमारे 140 और आज दो सांसद और बढ़ गए हैं, 142 सांसद, 146 सांसद हो गए हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने मांग उठाई थी कि जो सांसद जैसी जगह पे, संसद भवन जैसी जगह पे दो आतंकवादी कहा जाए उनको, वो घुस गए और उन्होंने वहाँ गैस का वो गुल्ले फेंके। ऐसी परिस्थितियों में अगर सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा और कैसे हालात होंगे। ऐसी हालात को देखते हुए सांसदों ने अपनी बात उठाई थी, उसको दबाने के लिए इन्होंने उनको निलंबित किया है। बहुत ही शर्मनाक बात है कि सांसद जैसे व्यक्ति को इन्होंने आम आदमी से भी नीचे गिरा दिया है। हम मांग करते हैं कि उनको बहाल किया जाए, अन्यथा हम लोग सड़कों पर आएंगे। अगली स्थिति जो आज राष्ट्रीय आह्वान पर हमारे पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन है, इसके बाद अगला जो कार्यक्रम निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।